वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम शुरू कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी में प्लांट हार्मोन्स। इससे पहले हमने बात की थी ग्रोथ, कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है किस तरीके से होती है। तो अगर देखा जाए कि प्लांट में सीड जर्मिनेशन होता है, सीड जर्मिनेशन के बाद ग्रोथ होती है और बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो इन एक्टिविटी के लिए जेनेटिक्स दूसरी चीजें और कुछ विशेष प्रकार के केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो जर्मिनेशन को और ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं। वो क्या कराते हैं? प्लांट हार्मोन्स कराते हैं सामान्यतः। तो आज हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स की। तो ग्रोथ हार्मोन्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर सिंथेसाइज्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी इन बल्क पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर पार्ट वेयर दे इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक फिजियोलॉजी प्रोसेस। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट के अंदर बहुत कम मात्रा में सिंथेसाइज होते हैं और वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसको इफेक्टेड करते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। तो बेसिकली प्लांट के जो फाइटो हार्मोन्स हैं, इस बात को, इस डेफिनेशन को दिया था बेंट एंड थाइलिन ने दिया था 1937 में दिया था। तो जो मेन प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, वो हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एसिटिक एसिड। ये जो है प्लांट के मुख्य हार्मोन्स हैं। ये सभी के सभी नेचुरल कंडीशन में प्लांट के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट हार्मोन्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। दूसरा आता है कि कभी कभी कुछ सब्सटेंस प्लांट के अंदर जो सिंथेसाइज होते हैं उनके जैसे ही सब्सटेंस को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है, जो केमिकली जो उनका करेक्टर्स होते हैं वो नेचुरल हार्मोन के समान होते हैं, तो उन्हें हम ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। तो जो बेसिकली जो प्लांट हार्मोन्स की जो डिस्कवरी हुई थी, तो सबसे पहले जो है ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई की थी। इसकी डिस्कवरी को लेकर जो डार्विन साहब थे उन्होंने अपने बेटे के साथ लेकर एक ग्रास थी फेनरिस कैनरेंसिस, इसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बेंट ने ही इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए उसको स्थापित किया, एस्टेब्लिश किया कि जो ऑक्सिन है हमारा ये प्लांट के ग्रोइंग रीजन्स में प्रोड्यूस होता है, पाया जाता है। इस बात को डार्विन ने खोजा था और बेंट ने इसको स्थापित किया था, सपोर्ट किया था एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो किया था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा हार्मोन्स था, बताया गया कि जो एपिकल जो रीजन्स होते हैं, ग्रोइंग रीजन्स होते हैं प्लांट के, वहां पर ऑक्सिन पाया जाता है और ऑक्सिन जो है वो लेंथ के लिए, ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया था कि अगर ऑक्सिन प्लांट के अंदर नहीं होगा तो प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं होगी। अब बात हम करते हैं कि प्लांट की जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन्स था उसको कैसे आइसोलेट किया गया, उसका केमिकल करेक्टराइजेशन क्या था। तो सबसे पहले जो हमारा ऑक्सिन था वो डच फिजियोलॉजिस्ट, एक डच साइंटिस्ट है और उनका पेशेंट एक आया था फिजियोलॉजी के, तो उनका पेशेंट आया था डच पेशेंट, उसको उसकी यूरिन को उन्होंने आइसोलेट किया, उसकी यूरिन से जो हार्मोन्स उन्होंने आइसोलेट किया था उसको नाम दिया था ऑक्सिन ए, जिसका केमिकल फार्मूला है C18H32O5। तो इस हार्मोन को उन्होंने नाम दिया था ऑक्सिन ए। अगर देखा जाए ये क्या है, ये एक हेट्रो ऑक्सिन है, बाद में इसी को नाम दिया गया था इंडोल 3-एसिटिक एसिड। उसके बाद कोगल और उनके जो वर्कर्स थे एसोसिएट, उन्होंने ही इसी तरीके का एक केमिकल सब्सटेंस था कॉर्न जर्म ऑयल से प्राप्त किया था, उसी से प्राप्त किया था और उसको नाम दिया था ऑक्सिन बी, ये था C16H30O4। तो ये दोनों केमिकल सब्सटेंस जो थे लगभग मिलते जुलते थे, केमिकल कंपोजिशन मिलता जुलता था, उन्होंने इसको नाम दिया ऑक्सिन बी। तो इस तरीके से ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले
ऑक्सिन को डिस्कवरी किया गया। इसके बाद राइजोपस से भी इसको निकाला गया और बहुत सारे दूसरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट से इसको आइसोलेट किया गया। तो बेसिकली जो हार्मोन्स है हमारा प्लांट हार्मोन्स ऑक्सिन, ये दो प्रकार से नेचुरली मिलता है, नेचुरली और सिंथेटिक दो प्रकार के होते हैं। तो जो नेचर में यानी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं वो नेचुरल ऑक्सिन कहलाते हैं, और जिनको लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज किया जाता है वो सिंथेटिक ऑक्सिन कहलाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए कि नेचुरल ऑक्सिन तीन प्रकार के होते हैं, जो प्लांट के अंदर, जो प्लांट के यंग ग्रोइंग रीजन्स होते हैं, शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, उनके उन पार्ट्स में मेरिस्टमेटिक जोन में इस ऑक्सिन का सिंथेसाइज होता है। ये मेन जो सिंथेसाइज हमारे जो मेन हमारे जो नेचुरल ऑक्सिन है वो है IAA4 chloro IAA और PAA। इसका नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इसका नाम होता है 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है फिनाइल एसिटिक एसिड। ये तीनों हमारे क्या है, ये नेचुरल ऑक्सिन हमारे। अब बात आती है सिंथेटिक ऑक्सिन की। ऐसे फाइटो हार्मोन या ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सिन के समान होते हैं केमिकल करेक्टराइजेशन में और उनको लेबोरेटरी के अंदर डेवलप किया जाता है, आर्टिफिशियल तरीके से कराता है, उन्हें सिंथेटिक कहा जाता है। वो होते हैं IBA IPA 24D CMP MCPA। तो इसका नाम होता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिटिक एसिड, इसका नाम होता है इंडोल 3 प्रोपोनिक एसिड, इसका नाम होता है 24D 2-chloro 2-4-dichloro-phenoxy-acetic acid। इस तरीके से कॉमन हमारे सिंथेटिक ऑक्सिन है जिनका प्रयोग हम कमी होने पर, प्लांट के अंदर डिफिशियंसी होने पर इनको आर्टिफिशियल तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है। तो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सिन का वो देखा जाए कि प्लांट में ग्रोइंग एपेक्स पर होगा, जो ग्रोइंग ग्लोबल होगा वहां पर होगा, और वहां से क्या होता है, वहां से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले ऐसे माना जाता था कि जो हमारा जो ऑक्सिन सिंथेसाइज हो रहा है वो फ्लोएम के द्वारा और जाइलम के द्वारा यानी कि वैस्कुलर बंडल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लांट में, लेकिन बाद में बहुत सारे वर्कर्स ने स्टडी किया तो उनका नहीं, जो हमारा हार्मोन्स है, जो फाइटो हार्मोन्स है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा नहीं, वो लिविंग सेल्स के द्वारा और पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होता है जो वैस्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाती है। इस तरीके से काम होता है। उसके बाद आता है कि जो हमारा बेसिकली एक दूसरा शब्द होता है एंटी ऑक्सिन। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो ऑक्सिन के प्रभाव को खत्म करते हैं उन्हें एंटी ऑक्सिन कहते हैं। तो उसको हम बात करेंगे इसके ऊपर। और अब इसके बाद अगला हमारा आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजियोलॉजिकल प्रभाव क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट जो होता है, जैसा हमने बताया था कि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल होता है, यानी कि क्या करता है, ये सेल डिवीजन को प्रभावित करता है, सेल डिवीजन प्रभावित करता है। फिर ये नंबर दो कैम्बियम सेल डिवीजन के द्वारा ग्रोथ करता है। नंबर तीन ये जो है वो सेल डिवीजन, सेल इलॉन्गेशन और उसके बाद एब्सिसल लेयर के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में सूट और रूट का जो इनिशिएट होता है वो इसकी हाई और लो कंसंट्रेशन के द्वारा होता है, वहां इसका प्रयोग करा जाता है। पार्चिनोकार्पी में इसका प्रयोग करा जाता है
और फ्लावरिंग इनिशिएशन में इसका प्रयोग कराया जाता है, रिस्पायरेशन में इसका इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे तरीके से जो हमारा ऑक्सिन है जो प्लांट की पूरी फिजियोलॉजी को मॉर्फोलॉजिकल को पूरी तरीके से इफेक्टेड करता है। इसके कुछ ऐसे जो सिंथेटिक हमारे ऑक्सिन्स हैं वो कुछ ऐसे सिंथेटिक ऑक्सिन्स हैं जो एज ए बीडी साइड की तरह वर्क करते हैं। तो मुख है हमारा 2,4-D जो सबसे कॉमन एग्रीकल्चर का सबसे कॉमन हार्मोन्स है, केमिकल है जो हमें क्रॉप के अतिरिक्त जो हमारे क्रॉप में अनवांटेड प्लांट्स यानी घास यानी क्रॉप के अलावा जो प्लांट बीड ग्रो करते हैं उनको सुखाने के लिए फार्मर्स इसका प्रयोग करते हैं, उसका नाम है 2,4-D। बेसिकली ये बॉन्ड हो चुका है लेकिन इंडिया में एक केमिकल फ्रीली धरल्ले से केमिकल्स को यूज किया जाता है घास को सुखाने के लिए। तो ये देखा जाए तो 2,4-D क्या है, हमारा एक आर्टिफिशियल या एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है जिसका प्रयोग हम एज ए बीडी साइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो ऑक्सीजन जो है वो प्लांट की फिजियोलॉजी को प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करता है और उसे प्रभावित करता है।